दोस्तों, स्वागत है आप सबका दीपक जैसा ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस, आज शाम का वक्त है और मैं अपने छत पे हूँ। आज पीछे भाभी जी पूरा कपड़ा वगैरह उतार रही, देख सकते हो आप लोग। और बगल में आंटी इधर मोबाइल चलाने में व्यस्त है, और उधर छोटी बहन पढ़ाई लिखाई कर रही है। और छत पर फैला हुआ है गेहूँ। गेहूँ किसका है यार? गेहूँ किसका है? बिन्नी का। तो भाभी ने छत पे गेहूँ फैला दिया है अब इसको सूखने के लिए। अब ये जाएगा आटा, मतलब पीसने के लिए जाएगा, तो इसका आटा तैयार होगा। आप लोग को भी पता है, मैं बता दे रहा हूँ, धूप इस समय कड़क कड़क हो चुकी है और गर्मी गाइस पड़ना चालू हो गया है। और ठंडी का मौसम तो एकदम ख़त्म हो गया, ना सलावन लग रहा है ना ठंडी लग रही है, केवल बाइक पर लग रही है। अगर कैसे सफ़र पर निकल जाओ और रात को अगर हो कुछ नहीं पहने तो ठंडी लग रही है। तो चलिए, चैनल पर आप लोग बने हैं अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा अगर पसंद आएगी तो। और कमेंट आप लोग करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। और इधर देख सकते हो आप कितना काम धाम, मम्मी के जाने के बाद एक बहू कितना परेशान होकर कितना काम करती है, अकेले सब बच्चों को संभालना, खाना पीना सब चीज़ खिलाना। और आगे होली है, अरे बाप रे, होली पर तो इनकी हालत हो जाएगा ख़राब, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इतना आइटम बनवाना है मुझे ना कि अकेले बनाते बनाते वो कहेंगे अरे मुझे नहीं करना है, ला लो किसी को। तो चलो फिलहाल यही है, यही बनाएंगे और घर के जो बहने हैं चाची हैं सबसे मिलजुल के काम करवाएंगे। और नज़ारा देखने का छत का ही मज़ा कुछ अलग है, बाहर का लोकेशन ये देख सकते हो आप लोग। और मैं तो बने रहिए ब्लॉग में, चलते हैं मार्केट में कुछ साग सब्जी वगैरह खरीद के आते हैं। क्या लाना है क्या नहीं, कुछ लाना है? हाँ, सब्जी। क्या लाना है सब्जी में, देख लेना क्या मिल रहा है। तो गाइस, भाभी जी के घर पे पड़ गई शादी और इनकी आ गई है बड़ी बहन। तो यहाँ पे कुछ बातें हो रही है, आप लोग देख सकते हो कि कौन साड़ी कौन पहनेगा, किसका है, भाई सब पूछ रहे हैं। तो भाभी के मायके पड़ गई है इनकी बहन की शादी, फिर से तैयार होने की खुशी और फिर से मायके जाने की खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक दिख रही है। ये साड़ी जो है गाइस मार्केट से आया हुआ था, इनके दीदी ने लिखाया हुआ था, तो बोले कि ये साड़ी आप ले लो। यही सब बातें यहाँ चर्चा हो रही हैं। और बाकी हम चलते हैं मार्केट में, थोड़ा सा मीठा वगैरह लाना है, कुछ मेहमान भी आ रहे हैं हमारे लिए, तो उनके लिए नाश्ता पानी ले लेते हैं, फिर आप उसको दिखाते हैं। इसी बीच आ गए शॉप पे और मीठा उठा लेने के लिए कुछ सेब्स। और ये आज गुलाब का फूल, ये जो देख रहे हैं ये कौन सा मिला है? काजू रोज। तो गुलाब का फूल, ये ऑरेंज सनफ्लावर टमाटर की मिठाई यहाँ पे गाइस लोग, अंजीर का साटा, अंजीर का कौन कौन सा मिठाई है? अंजीर का साटा। तो गाइस बहुत अच्छी शॉप है, मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ यहाँ से मिठाई लेके जाता हूँ। और यहाँ देखो गुजिया भी बन रहा है, होली से गुजिया सबको पता है। और ये एक से एक लड्डू मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और खाया भी। और ये गुलाब वाला एक रिल्स भी मैंने इनके साथ बनाया है, काफी अच्छा है, काफी टेस्टी था और बहुत बेहतरीन लगा। हाँ अच्छा, आपकी दुकान में प्रचार बराबर कर रही थे ना, डिस्काउंट दे देवा करवाओ के अच्छे हैं। और हम हैं तो कुछ ना कुछ सामान घटा रहता है, तो आज मैं अपने लिए भी और अपनी तो अनुप भाई हमको यार सामान, ये देखो मैंने कुछ सामान निकाला हुआ है जो अभी पड़े हुए हैं, और कुछ सामान इधर जैसे ये पेस्ट बोरो प्लस, गर्मी वगैरह आ रहा है ना तो बोरो प्लस तो काम नहीं रहेगा, लेकिन और भी क्रीम लगाते हैं। अब मैं तो क्रीम लगाता हूँ भाई, चाहे वो फेयर लवली हो चाहे फेयर हैंडसम हो, मैं लेडीज़ वाला सामान यूज कर लेता हूँ। क्या दिक्कत है यार, थोड़ी सा ग्लो आ जाती है चेहरे पर लगाने के बाद, क्यों यार ना? तो दे दो यार कुछ सामान दे दो, परफ्यूम निकाल देते हैं गाइस। हाँ ये पैक कर दो, वो मेरा नीचे वाला, ये इसका बिल तो बड़ा लंबा हो जाएगा दिकाजी। गाइस ये कार्टून सामान पैक हो गया है, तो ये घर की चीज़ें हैं, घर की जरूरतें हैं जो कि ले रहे हैं। और शैम्पू और कपड़ा धोने के लिए सर्फ साबुन और भी चीज़ें, तो आप तो कर देख सकते हो कौन कौन से ब्रांड है यहाँ पे, हम लोग ये यूज करते हैं। और एक ये ले लेता हूँ गार्नियर का सेरम क्रीम, क्या होता है यही लगाता हूँ कभी कभी, मतलब गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और वाइट टोन पाउडर मैं लगाता हूँ, तो इसको भी ले लेते हैं, निकाल लेता हूँ। छोटा पाउच लूँ बड़ा पाउच लूँ, छोटा ही पाउच ले लेता हूँ यार। चलो यार एक ये भी दे देना। और भी यहाँ गिफ्ट के आइटम मिलते हुए हैं यहाँ पे, और इनको तो जानते हुए हमारे साथ कई वीडियो में आ चुके हैं, हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे साथ अक्सर ही मुलाकात रात को हो ही जाती है, शॉप पे भी इनके हो जाती है और कहीं टूर वगैरह होती है, तो ये तो पहले ही मौजूद रहते हैं और ये भी रहते हैं।
A few moments later. और आज हमारे भांजे का बरही मन रहा है दिल्ली में, वहाँ पे मम्मी पूनम दीदी विनय भाई और किटो की नन्ना जेठान जीजा जी अमित जी और उनकी सास मेरी मम्मी सब लोग मौजूद हैं और जिनको उन्होंने इनवाइट किया होगा। ऐसे तो फंक्शन घर वालों का ही है और मुझे भी बुलाया गया था लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। भाभी को भी बुलाया गया था, भाभी भी नहीं पहुँच पाई हैं और भाभी का पूरा प्लान था जाने का लेकिन मम्मी ने पहले ही बता दिया कि जाने दो, नामकरण जब होगा तब आना और जाना। तुम्हारी रिंग लाइट भी छत पे ही था, यू भी कुछ वीडियो शूट कर रहा था तो इसको लेके चलते हैं नीचे। हम थोड़ा सा उठा लेते हैं यार, तार वगैरह पूरा तार वगैरह सब लगा हुआ है, इसके बिना तो वीडियो बनता ही नहीं यार, तो इसे रोशनी मिल जाती है। तो चलते हैं नीचे यानी किचन सेक्शन में। और भाभी जी आज क्या बना रही हैं, किस चीज़ बना रही नाश्ते में शाम के वक्त? तो मैं बात कर रहा था बरही की, तो बरही तो धूमधाम से मन रहा है, वहाँ के ब्लॉग भी खतरनाक आ रहे हैं, मतलब देखने को अच्छा लग रहा है। शायद मैं होता तो काफ़ी और इंटरेस्टिंग होता ब्लॉग, लेकिन वहाँ नहीं हूँ। फिर भी जैसा भी मेरा ब्लॉग है आप लोग प्यार दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो का पसंद आएगी, तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर करना और बरही का आप लोग ब्लॉग देखते रहिए दिल्ली का, बाकी हमारा भी ब्लॉग देखिएगा। हम घर पर हैं और चलते हैं थोड़ा सा किचन सेक्शन में। भाभी काफ़ी अंधेरा आ रहा है यार, और इधर बच्चे क्या कर रहे हैं, इधर देखो ये देखो क्या हो रहा है, सुना क्या कर रही है? कहाँ किचन में? थोड़ा सा लगा देते हैं गैस, थोड़ा सा लाइट बढ़ जाए। दिखा दो कितना बना है, क्या बना है, हुआ क्या बना हुआ है, क्या दिखा दो बताओगे? चलो तो गैस बैक कवर करके दिखाते हैं कार्तिक मुझे क्या दिखाने वाला है, बोल रहा है कि देखो देखो क्या दिखाओगे, क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? ये तो गाइस भाभी बना रही इडली और ये आधा बना के रखी है और इधर चटनी। हाँ क्या लोगे, क्या वो गाड़ी लोगे, अभी चलाने लायक हो तुम? हाँ चला लोगे। तो गाइस इधर हो रहा है इडली और भाभी जी ढक दी हैं, मैं इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो इडली बना रही है शाम के वक्त किचन सेक्शन में और हम क्या 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 चीज अभी खा रही है, वो खाएगी नहीं खेलने के चक्कर में खा रही है। वो तो ना पहले खा लो तब लेगा ना, खा लो खा लो भैया खा लो। सोना क्या खा रही है? ऐसे दिन तो नहीं खा रही थी, करी चट वो दो चटनी दो चटनी खाएंगी। सोना खा रही है क्या? तो आज इडली बना रही हो तो गाइस सोना इडली खा रही थी, अब आपको खिलाया यार। कैसे मन कर दिया इडली बनाने का? चलो खाओ फूल, वो मंठा निकला है ना तो वेस्ट हो जाता तो हम पे बना दे थोड़ा सा फूल खा के आओ। पर ही नहीं जा पाई, कैसा लग रहा है जाने का पूरा प्लान था? मिस कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे, गए नहीं, जाते तो वहाँ सबसे मिल भी लेते, बाबू को देख लेते, गाय हो जाता। फिर क्या बताएं, बड़ा शांत शांत बैठी हो, बड़ा जैसे नाखुश दिख रही हो, नहीं पहुँचने का गम दिख रहा है। तुम भी तो नहीं गए? हाँ हम तो नहीं गए, हम तो पहले ही बता दिए थे नहीं जाएंगे, लेकिन आपका पूरा प्लान था जाने का, फिर अचानक कैंसिल हो, फिर कभी मौका मिलेगा तो। हाँ तो वही मम्मी बोली नामकरण होगा तो फिर जाओगे। तो गाइस चलिए कोई बात नहीं है, नहीं पहुँच पाए तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तब पहुँचेंगे। और आज बड़ा ही वहाँ मन रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबका ब्लॉग देख रहा हूँ, सबको मिस कर रहा हूँ मैं, शायद होता तो और भी मजा आता। चलिए नहीं पहुँचे कोई बात नहीं, भाभी नहीं पहुँची तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग पहुँचेंगे। पलटन में देखा था, अच्छा बताओ बढ़िया एकदम अच्छा, कहा होता बढ़िया आया नहीं तो? हाँ नहीं आया, समय नहीं रहा ला हो ला पापा का ला सब ही खा रहे बन गया। हाँ तो दोस्तों मैंने जीजा जी को कॉल किया यानी बड़ी दीदी मैंने किटू के जेठ जी को फ़ोन, तो उनसे बात हुई कि उस किसी का मोबाइल उस समय खाली नहीं था कि हम किस पे फ़ोन करें, थोड़ा सा देखना चाहते थे लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया हमारा,
कोई बात नहीं है, जीजा जी उठा लिया और सबसे हम यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, हमारे विनय भाई हैं, हाल चाल पूछे हैं, मैंने बोला सब फंक्शन हो गया अच्छे से, बोले सब अच्छे से निपट गए, पूनम दीदी, बन्ना दीदी और सासू माँ और ये सभी लोग हैं, और दीदी इधर देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। इसी बीच विनय भाई हमसे कहते हैं बात करने के लिए, तो हम बात करते हैं, विनय भाई से बात होती है यहाँ पे देख सकते हो, और पूरा फंक्शन की जानकारी होती है, क्या क्या चीज़ें हुआ क्या नहीं हुआ। तो नहीं सबसे साथ अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्रेज़ मिलते हैं अच्छे नए वीडियो साथ। बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, लव यू फैमिली, प्यार आप लोग जरूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू, लव यू।